जय हनुमान ज्ञान।
सदमिदबुधे प्रसन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजुयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सत्यमुपसेति मा वयम् देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तां पूर्वया निविदा भूमहे वयम् पगं मित्रमदिनि दक्षमश्रिदं पर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिताग्नो तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना सुनुतं धिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तृशस्पतिं प्रियं जिन्वामवासे भूमहे वयं भूषानो यथा वेदसामसद्हृदे रक्षिता पायुरनद्य स्वस्थये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिश्रमेणि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषादस्वा मरुत वृष्णीमातरम् शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवस्सूरचक्षसु विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेर्विश्रूयाम देव भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो मन्ति देव यत्रा दशक्राचरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिविशान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि एवायेव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवाहि भूषन् एवाहि देव पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ पूज्य बापू के चरणों में वंदन आप सबको प्रणाम जय सियाराम। आज की लंदन की इस कथा के प्रारंभ में आप सबको एक विशेष सूचना देनी है। हम सब जानते हैं जो देश में से कई साहित्यकार लोक साहित्यकार और कलाकार यहाँ पर पधारे हैं, आप सब भी टीवी के माध्यम से ये भलीभांति परिचित है इस बात से कि अभी कुछ दिन पहले गुजरात में मूसलाधार बारिश हुई। उत्तर गुजरात समेत सौराष्ट्र और सारे गुजरात में जल विभीषिका हुई, जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं, लोगों का आर्थिक नुकसान भी हुआ, कई पशु पंखी भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए। इसके अलावा देश में भी हमारे कई राज्यों में
ऐसी बाढ़ आई है जहां कई लोगों की जानें गई हैं। कुछ दिनों पहले केदारनाथ की यात्रा के मार्ग पर गुजरात की एक बस गई थी जिस पर आतंकवादियों ने हमला किया और इन यात्रिकों में से कुछ यात्रिकों का देहांत हुआ। हमारी कश्मीर बॉर्डर पर भी अक्सर हमले होते हैं और रोजाना इस मुठभेड़ में हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति एक मिनट का मौन रखकर हम उन सबको श्रद्धांजलि अर्पण करें और फिर कथा का उपक्रम यहाँ शुरू होगा। हरि ओ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Jai Shri Ram Bapu and Jai Shri Ram to you all. It gives me great pleasure to welcome you all to the first day of Ram Katha London. Over the last few months, the Ram Katha volunteers team have worked hard to make this Katha special for everyone. It is really important to us that everybody has a wonderful Katha experience, and I wanted to share our top tips on how best to make the next few days as enjoyable and smooth as possible. To start with, we would highly recommend all of you to download the Ram Katha app. This is the first ever Ram Katha app and is available on all iPhone and Android phones. It provides the latest news and updates as well as information on all evening programs. The app will also provide translations into English at regular intervals throughout the Katha. With regards to further translations, we are really honoured to have Nagin Das Baba with us today, who has travelled all the way from India at the age of 97, specially for us to translate Bapu's Katha. Baba first started translating Bapu's Katha here at Wembley Arena back in 2003, and we're delighted to welcome Baba back again 14 years later. Throughout the week, there are also a number of special programs which you are all warmly welcome to. Tomorrow evening, we have the world-renowned Zakir Hussain accompanied by the electrifying Niladri Kumar here at Wembley Arena. Doors will open at 4:30 p.m. tomorrow, and we request everyone to be seated by 5:30 p.m. Complimentary parking will be available for everyone in the evenings and before Katha in the yellow car park. For those of you who have parked in the yellow car park today, please remember to validate your tickets at the information desk if you have not done so already. Parking tickets can be validated at any time, and from tomorrow, the easiest way to validate your ticket is on arrival at the yellow car park.
Behind the Brent Civic Centre, there is also a designated drop-off area for elderly and disabled guests, as well as this complimentary shuttle service back to the Pink Car Park. Starting from tomorrow, we also have a dedicated children's area to assist parents in enhancing the cultural experience for their children. The children's area is located just behind the stage next to the rewards lounge and will be open from 10 p.m. to 1 p.m. daily. Activities include double classes, yoga classes, and even special Gatha translations just for children. Finally, we would like to remind everyone to please stay for Prasad every day after Gatha. Today, Prasad will be served in the SSE concourse around the arena. Special arrangements for Prasad have also been made for elderly guests and those who require special assistance in the SSE restaurant on the second floor, just above the main entrance. All of this information is available in the app, but if at any point you are uncertain about anything, please do not hesitate to ask any member of the volunteers team in the blue t-shirt. We want to make everyone feel very welcome, and if there are any mistakes made by us along the way, we humbly ask for your forgiveness. Before I finish, I would now like to hand over to Rudra and Rishi Sachdev to say a few words. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, Bapu. Jai Shri Ram to you all. My heart is dancing today. I'm so thrilled that Bapu is here. This is my first proper London Gatha, as last time I was only 1 year old. I've gone to quite a few Gathas, and while I don't understand everything that Bapu says, I feel like I'm drifted off into this imaginary world where I can listen to Bapu's voice, to the music, and to the Ramayana in peace. My favourite person in the Ramayana is Hanumanji, and I think Bapu's is too. When my papa and mummy first told me about London Gatha last September, I wanted it to happen there and then. The wait has felt like a very long time for me. It has been 7 years since Bapu has done a Gatha in London, so I can't imagine how long the wait has felt like for all of you. I'm so excited for the next 9 days to begin, to join together as one whole family that is united by truth, love, and compassion. Jai Shri Ram. I'd like to follow. Bapu Pranam and Jai Shri Ram. And Jai Shri Ram to you all. On behalf of my parents, Minal, Rudraish, and our whole family, I'm delighted to welcome you all to Ram Katha London. It's hard to put into words what this day means to me. Unchod varashno hato, tere normal teenager hato, school age hato, friends hate ramto do, Pani umare khali ek be mahina ma badu j badlai gyo hu bapu ne mero khabar nathi ke tyare su thiyo khabar nathi kevi rite thiyo e describe karva mate shabd nathi aaje hu 40 varsh ni umare pacho vadi ne jo to mane khabar pade che ki maro bijo janam hato mane aankh mali mane bapu mera Bapu, આ કથા અમારા માટે પ્રસાદ છે આ કથાએ મને અને તમારા છોકરાઓને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે તમારા એમ્બેસેડર્સ બનવા માટે આ સેવા નથી બાપુ આ તમારા માટે પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે મોકો છે થેન્ક યુ બાપુ કે તમે મને બધાને આ ચાન્સ આપ્યો
અમને જોઈએ છે કે તમારા બધા જ માટે આનંદવાળાનો દિવસ રહે. આજે અહીંયા 350 વોલન્ટિયર્સ છે કે જે તમારા બધાનું ધ્યાન રાખશે. તમે આનંદથી કથા સાંભળજો, રોજ પ્રસાદ લેજો, આઈસ્ક્રીમ ખાજો, અને કાંઈ પણ અઘરો પડે તો અમે બધા હાજર છે. અને અમારાથી કાંઈ પણ ભૂલ થાય તો પ્લીઝ માફ કરજો. જય શ્રી રામ. आइए हनुमंत बिराजिए, कथा
Devam Marute Tulya Vegam Jite Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram
Be
Thank you.
बाप परमात्मा की कृपा से कुछ सालों के बाद फिर एक बार लंदन में राम कथा निमित्त हम सब इकट्ठे हुए हैं। सभा में उपस्थित सभी पूजनीय चरणों में और विधिविध विद्या के कई उपासक यहाँ आए हैं, इन सभी को भी और आप सभी को व्यासपीठ से मेरा श्रावणी प्रणाम। बाप रुद्रेश ऋषि रमेश सचदेव परिवार, इस परिवार का ये मंगल भवन की कथा का मंगलमय मनोरथ जो आज से प्रारंभ होकर आगे प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, मैं पूरे आयोजन के पीछे जो श्रद्धा और विश्वास है उसी की सराहना करता हुआ एडवांस में मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, अभी प्रारंभ में हरीश भाई ने, आप सब जानते हैं कि गुजरात, भारत के अन्य प्रांत, अन्य छोटी बड़ी घटनाएं, सरहद पर होती घटनाएं, इनमें जो जो जाने गई हैं और जो अन्य असरग्रस्त हैं, इन सभी के निर्वाण के लिए हम सब ने व्यासपीठ के साथ जुड़कर अपनी श्रद्धांजलि पेश की। इन निर्वाण को हम सबका प्रणाम। एक बात मैं और भी कहने वाला हूं जिसकी विशेष सूचना मैं विनय करूंगा कि आज की कथा के समापन में रामायण जी की आरती से पूर्व मेरे परम स्नेही लॉर्ड डॉलर भाई पोपट
उसकी विशेष जानकारी और विगत आपके सामने अंग्रेजी में या तो जिस रूप में वो व्यक्त करना चाहे कहेंगे। बात यह है, जो मैं पहले संक्षेप में कह दूं, कि जो घटना घटी उसके लिए राम कथा के आरंभ में मैंने कल, वैसे मैं मुंबई से लंदन आ रहा था तो यजमान परिवार के मुख्य स्तंभ रमेश भाई, उसको मैंने मेरे मन की बात कही, दिल की बात कही। मन की बात बहुत फेमस हो चुकी है तो दिल की बात मैंने कही, उसने सहर्ष स्वीकार किया। यहाँ आने के बाद कल सुबह आदरणीय डॉलर भाई और हम सब बैठे थे, तब भी मैंने ये बात रखी, खास तो ऋषि के सामने, ऋषि इस कथा में प्रधान है। मेरे मन में ये बात रही बाप कि क्यों न हम सब मिलकर के इस कथा के प्रसाद के रूप में कुछ राशि इकट्ठी करके जो हानि हुई है उसकी यत्किंचित सेवा के लिए प्रसाद के रूप में हम यहाँ से भेजें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं व्यवस्था का आदमी नहीं हूं। आज से शुरू करके गुरुवार तक एक क्रम जारी रहेगा, जो देना चाहे उसमें अपनी राशि घोषित कर सकते हैं। शुक्रवार को मैंने कड़ी सूचना दे रखी है इन वडीलों को कि शुक्रवार को के बाद किसी से कुछ न लिया जाए, गुरुवार सायंकाल तक जो मिले उसका शुक्रवार तक ड्राफ्ट निकल जाए और मैं मेरी व्यासपीठ से राशि घोषित कर दूं शनिवार को, और रविवार को पूर्णा होती है, अगले रविवार को, उसके बाद सोमवार या तो मंगलवार डॉलर भाई, रमेश भाई अथवा तो इसके साथ जो जुड़ना चाहे, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में गांधीनगर जाए और 21 या तो 22 तारीख को गुजरात के चीफ मिनिस्टर आदरणीय विजय भाई रूपाणी को ये चेक के ड्राफ्ट समर्पित कर दे और बात पूरी हो जाए। और ये बात सबको अच्छी भी लगी है, तो जब मैं ये विचार रख रहा हूँ तो तलगा जरड़ा चित्रकूट धाम के हनुमान जी के प्रसादी के रूप में 1.25 लाख रुपया की राशि तलगा जरड़ा की इसमें होगी। उसके बाद डॉलर भाई ने तो ऑलरेडी कल मुझे कह दिया कि बापू 11 लाख रुपया मेरे आप जोड़ दीजिए, दाणी भाई ने कहा कि 1.25 लाख रुपया मेरा भी जोड़ दीजिए। अब ये आपको पूरी सूचना डॉलर भाई देंगे आखिर में कि कैसे घोषित करना, कहाँ करना, क्या करना और कैसे, लेकिन ये काम 21 और 22 तक पूरा हो जाना चाहिए तो ही आगे बढ़ना है। तो देश विदेश में जो भी कथा सुन रहे हैं, जिसकी इच्छा हो इस सेवा के लिए, तो राम कथा की प्रसादी के रूप में हम कथा के बाद 2 दिनों में ये वडील लोग आएंगे, गांधीनगर जाएंगे और वहाँ ये ड्राफ्ट चेक जो देना है वो सेवा के लिए समर्पित कर दें। ये विचार था जो मैंने आपके सामने पेश किया, आपको जो आगे करना सो करिएगा। तो बात तीसरी बात मेरी विशेष प्रसन्नता की ये है कि सचदेव परिवार के प्रेमाग्रह के कारण और मेरी व्यासपीठ के प्रति स्नेहादर के कारण भारत से बिलक बिलक विधा के शब्द सेवी साहित्यकार, कितनी विधाओं के
कई बुजुर्ग, कई युवा सब यहाँ आए हैं। करीब 130 के आसपास है आए हैं। और मैं ये स्पष्टता करना चाहूँगा कि कोई फ्री नहीं है, सब अपने क्षेत्र में बहुत व्यस्त है, अपने कार्यक्रमों में, अपने बिलक बिलक जो कार्य में हो। केवल सचदेव परिवार का प्रेमाग्रह, व्यासपीठ के प्रति उसका स्नेहादर, इसके कारण वो निजानंद के लिए यहाँ आए हैं। और हमें रोज जैसे जैसे कार्यक्रम बनेगा कल से, हम सब लाभ लेंगे। मैं सभी आए हुए विधिविद कला और विद्या के उपासकों को सलाम कर रहा हूँ, नमन करना हूँ कर रहा हूँ, और व्यासपीठ के साथ आप सब की ओर से इन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ एक बार भाव से। और एक बात आपके ध्यान में रहे कि ये कोई फ्री नहीं है, अपने अपने कार्यक्रम छोड़कर आए हैं, देश विदेश में सब जगह अपनी प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, लेकिन केवल आनंद के लिए और हमको आनंद बांटने के लिए आए हैं, उसकी मैं विशेष खुशी व्यक्त कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। तब आइए राम कथा में प्रवेश करें। सावन महीना चल रहा है, भगवान महादेव की उपासना के ये पावन दिन है। मेरे मन में निर्णय तो अभी यहाँ आने से पहले आध घंटे पर मैंने लिया कि किस विषय को चुनूं इस कथा में, तो मेरे मन में आया सो मैंने निर्णय किया। दो पंक्तियां आपके सामने पेश भी कर दी गई गाकर। इस नवदिवसीय राम कथा का मूल विषय रहेगा मानस महिमना। गंधर्व राज पुष्पदंत का एक बहुत बड़ा महिमावंत स्तोत्र है, शिव महिमना स्तोत्र। इस कथा का नामाभिधान मानस महिमना रहेगा। और रामचरितमानस में 27 लोक 27 तत्वों की महिमा गाई गई है। कुल मिलाकर मेरी गिनती के अनुसार भूल चूक लेवी देवी, लेकिन 27 तत्व की महिमा का गायन मेरे गोस्वामी जी ने किया है। यद्यपि मुझे नीलेश ने भी माहिती दी थी कि एक बार सूरत में मानस महिमा पर कथा हुई है, फिर बारडोली में भी मानस महिमा, लेकिन उस समय क्या बोला गया, क्या प्रवाह चला, अल्लाह जाने। हम फिर से एक बार मानस महिमना के पावन विषय के अंतर्गत रामचरितमानस का दर्शन करेंगे और शिव के चरणों में इत्येषां वांग्मयी पूजां श्रीमद् शंकर पादयो, भगवान शंकर के चरणों में हमारी वाणी समर्पित करेंगे, हमारा श्रवण समर्पित करेंगे। तो ये दो पंक्तियां मैंने उठाई हैं मानस से। कुल मिलाकर मुझे जो माहिती दी गई उसमें पूरे रामचरितमानस में महिमा शब्द 52 बार आए हैं, 52 भूल चुक लेवी देवी, क्योंकि घना लोगों ने बीजू कहीं काम ज नहीं, ये बापू कहां चुक करे वो ही देखना है, इसलिए मैं पहले से कहूं ये शास्त्र है, वो किसी के वश नहीं होता, हमें ही उसके वश होना पड़ता है। तो बाप मानस महिम, मानस स्वयं
महिमा का एक अर्थ होता है महिमा, गंधर्व के गायन के साथ शुरू करें महिमा पारंते परम विदुषो यद्यसदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वयि गिरा अथावाच सर्व स्वमति परिणामाभिधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमा वां मनसयो रुद्यायं चटितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य न मेरे लिए मानसी महादेव है, मेरे लिए मानसी क्योंकि स्वयं गोस्वामी जी ने भी कहा है सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ये स्वयं सदगुरु है। और मैंने दो पंक्तियां इसलिए वो पसंद की है, यद्यपि कोई भी पसंद कर सकते, कोई भी पंक्तियां ले सकते थे, लेकिन जो दो पंक्तियां यहां गाई गई बिलक बिलक जगह से हैं, आप खोज लीजिएगा, फिर एक बार मैं गाऊं और उसके बाद आगे बढ़ूं। विश्वनाथ मम नाथ पुरा विश्व मुनीराया
मानस महिमना उस पावन विषय के अंतर्गत हम मानस के 27 प्रकार के तत्वों की जो महिमा गोस्वामी जी ने गाई है उसका गायन श्रवण करेंगे। कभी मानस में भगवान राम की तो महिमा है ही, मानस में शिव की महिमा है, मानस में शैलजा की महिमा है, मानस में विभूत नदी गंगा की महिमा है, मानस में महिमा अवधि राम पितु माता दशरथ और कौशल्या की महिमा है, रामायण में रावण की भी महिमा है। अहो मोह महिमा बलवाना, रावण मूर्तिमंत मोह है और उसकी महिमा भी गोस्वामी जी ने गाई है। मुनियों की महिमा है, चित्रकूट की महिमा है, सत्संग की महिमा है, साधु की महिमा है, भरत की महिमा है। जितना स्मरण में आया आपके सामने रख रहा हूं, कुल मिलाकर 27 तत्व की महिमा का गायन उसको मेरी व्यासपीठ इस कथा के लिए कहेगी मानस महिमना। उसकी चर्चा हम मिल करके करेंगे। स्वांतः सुखाय। आज ही सुबह मैं एक जगह गया तो मुझे एक परिवार वाले पूछ रहे थे कि बापू
किस विषय पर बात होगी, हम लालायित है। मैंने कहा अभी निश्चित नहीं है, कभी कभी तो व्यासपीठ जाकर ही विचार आता है, कभी दो दिन न भी आए तो मैं सीधी कथा शुरू कर देता हूँ, उसके बाद भी विषय कोई प्रयास नहीं, प्रसाद उतरे तो ही करूँ वरना न करूँ। तो ये लेकर और मुझे गुरु कृपा से आप सबकी दुआओं से हर वक्त मानस नया लगता है। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, पाकिस्तानी शायराना अम्बरीन की एक सुंदर गजल है, मैं मानस की और महिमा में जोड़ दूं तो मेरे लिए क्या है महिमा। वो कहती है जैसे तुम भी ना का मतलब, जैसे हिंदी उर्दू में कहते हैं तमें पण यार, तमें गजब सो यार, अपने कहें अरे यार तमें पण आटलू कही एटले हम समझी जाए। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो मेरे लिए तो मानस, तुम भी ना, तुम भी गजब हो, तुम भी महान हो, तुम भी परम हो। तो मुझे वो शायराना के शब्द याद आ रहे हैं। खुद ही बताओ अब कैसे सवरू में, खुद ही बताओ अब कैसे सवरू में, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। तो मेरे लिए जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, मानो पहली बार कथा कहने जा रहा हूं, ऐसी अनुभूति के साथ आइए हम मानस महिमा का गान करेंगे 9 दिन और शांत सुख लेंगे। मैं रुद्र जो बोला बच्चा, उसने इंग्लिश में एनी आगल तो हूं ठोठज गणा कि इतना सुंदर इंग्लिश बोला, इसकी भी मैं दुआ देता हूं। तो बाप मानस की महिमा अतुलनीय है, रामचरित मानस के सातों कांडों की महिमा अतुलनीय है। आप गुजराती थोड़ा पढ़िए बच्चों, परिवार में गुजराती बोलो, सिखाओ पढ़ाओ ताकि बच्चे गुजराती भूल न जाए, अपनी अपनी सभी भाषाओं को, प्रांतीय भाषा जिसकी जो हो, लेकिन ज़्यादातर गुजराती भाई बहन हैं, गुजराती पकड़े रखो। अच्छा है लंदन में भी कुछ गुजराती अखबार निकल रहे हैं, वो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि ताकि गुजराती भाषा लोगों तक पहुँचे, उसकी भी मैं सराहना करूँगा। इतने गुजराती साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य कितने हमारे सब आए हैं, इसका भी लाभ लीजिएगा और अपनी भाषा की ताकत देखिएगा, अपने शब्द की ताकत देखिएगा। तो कवि श्यामल भट्ट, बड़ा पहचाना नाम, उसने 32 पुतली की वार्ता लिखी है, सिंहासन 32 ही, फिर तो कई लेखकों ने उस पर काम किया है अपने अपने ढंग से। 32 पुतलिनी वार्ता, जिसके मूल में राजा विक्रमादित्य है और उसी परंपरा में
वो सिंहासन वाली बात है, फिर उसका इतिहास भी कभी कहूँगा। लेकिन एक गोपाल, एक चरवाहा लड़का गाय भैंस चराने जाता है और एक टेकरे पर अचानक चढ़ता है और उसको कुछ प्रेरणा होती है और वहाँ एक सिंहासन निकलता है और वो टेकरे पर जाता है, तब वो कुछ न कुछ कहने लगता है। उसके अज्ञात चित्त से क्या निकलता है। तो 32 पुतली की वार्ता हमारी माताएं, बूढ़ी माताएं, पहले तो कहानियां घर में सुनाई जाती थी ना, ये सब छूट गया है, ये फिर से शुरू हो। तो उसमें एक वार्ता है जो मुझे मानस की महिमा में जोड़ने में अच्छा लगेगा। राजा भोज सिंहासन पर बैठने जाता है, वहीं से हर पुतली की कथा वहीं से शुरू होती है। प्रसन्नता से जाता है, इतना सुंदर सिंहासन है जिस पर विक्रमादित्य बैठता था एक समय में। तो भोज राजा वहां बैठने जाता है तो एक पुतली निकलती है, प्रकट होती है और राजा को रोकती है कि खबरदार राजा, इस पर बैठने से पहले सुन, इस पर विक्रमादित्य ही बैठ सकता है। तुझमें यदि विक्रमादित्य जैसे लक्षण हो, गुण हो, तो ही तू उस पर बैठ सकता है। सुन, विक्रमादित्य कैसा था उसकी ये कहानी सुनाओ। वो पुतली कहानी शुरू कर दी। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आया। भोज राजा सुन रहा है, आप सुनिए। ब्राह्मण आया, ब्राह्मण का बड़ा आदर किया, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया, कहा भगवान आप पधारे हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। बोले कोई जरूरी नहीं है, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं, लेकिन एक प्रसन्नता और एक संदेश देने के लिए आया हूं, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आया। फरमाई कि मैं मानसरोवर का आदमी हूं, मेरा मूल निवास मानसरोवर हिमालय है, मेरी चेतना कैलासी चेतना है। ब्राह्मण कहता, हाँ महाराज, तो मैंने मानसरोवर में अक्सर एक चमत्कार शब्द मुझे बड़ा ज्यादा प्रिय नहीं है, फिर भी है तो है। दीप्ति दीदी कहती है तो है, ये रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। बोले महाराज बताइए क्या। कि एक स्तंभ खड़ा होता है मानसरोवर से रोज सुबह, और ऊंचा 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 होते 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 आसमां तक चला जाता है। सायंकाल होते ही वो स्तंभ फिर नीचे आता है और मानसरोवर में विलीन हो जाता है। वो पुतली कथा सुना रही, वार्ता सुना रही। मैं तुम्हें बताने आया हूं, विक्रमादित्य ने कहा कि क्या मैं ये देख सकता हूं। जरूर तू देख सकता है। आशीर्वाद देकर ब्राह्मण गया। संक्षेप में सार सार समझ लीजिएगा। राज सोच रहा है विक्रमादित्य, कैसे मानसरोवर जाए, क्या करे कैसे करे। तो उसको तो वैताल और आज्ञा वैताल दो उसकी हाजिरी में रहता था। जैसे सुमिरन किया तो वैताल आया, आज्ञा वैताल आया, दो वैताल। वैताल की बात भी बीच में कभी करूंगा। विक्रमादित्य ने कहा व्यवस्था करो कि ऐसा राजा होगा कि वैताल उसके सेवक बनकर काम करते थे,
बोले पहुंचा दिया आपको मानसरोवर, पहुंचा दिया राजा को मानसरोवर। और दूसरे दिन सुबह से राजा ने देखना शुरू किया तो एक स्तंभ निकला ऊंचा 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 सूर्य तक जा रहा। शाम ढलती है फिर वो स्तंभ धीरे 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 मानसरोवर में विलीन हो जाता है। 3 दिन राजा ने देखा, वैताल मालिक अब मेरी इच्छा है पूरी होगी, बताओ क्या, कि ये स्तंभ जो निकलता है उसके ऊपर मुझे बैठना है और ये जहां तक आकाश का छोर क्या है वहां तक मुझे ले चले। वेताल ने कहा राजा जिद न करो, हम तो सेवक है जो कहेंगे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। बोले नहीं देखना तो है ही। आज्ञा वेताल, और वेताल ने उसको स्तंभ पर बिठा दिया और स्तंभ उठा 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 सूर्य की ओर, और सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण विक्रमादित्य जलकर भस्म हो गया। पुतली कथा सुना रही है और स्तंभ तो आगे आगे बढ़ ही रहा है। भगवान सूर्य के निकट ये वार्ता आया ना, प्रमाणों गोतवा नहीं जता, इसका परिणाम सुनना कि कहानी कहना क्या चाहती है। सूर्य तक गया और भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि स्तंभ के अग्र भाग में ऊपर के भाग में भस्म है, राख है। अरे कोई जिद करके चढ़ा लगता है और मेरी प्रचंड किरणों से इसकी मृत्यु हो गई। और सूर्य को बड़ी ग्लानि हुई, वो सोचने लगा कि मेरे किरणों के द्वारा उसकी हत्या हुई है, मैं दोषी हूं, मैं हत्यारा हूं, मेरे कारण यह मरा है। लेकिन सूर्य सूर्य है, उसने तुरंत अमृत लिया और जो राख थी स्तंभ के ऊपर उस पर अमृत छांटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। महाराज बोले हां अब मेरी गर्मी तुझे जला नहीं पाएगी, मैं सूर्य हूं, मैं बहुत राजी हुआ और आ मैं तुझे एक कुंडल देता हूं, एक कुंडल धारण करना और कई रहस्यों की ज्ञान जानकारी तुम्हें प्राप्त होगी, एक कुंडल रख तू धन्य हो जाएगा। सूर्य का कुंडल का प्रसाद लेकर फिर स्तंभ नीचे उतरा। उसके बाद राजा ने मानसरोवर में स्नान करके विदा ली, यात्रा की। यात्रा महाभारत में वन पर्व में यात्रा किसके साथ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका व्यास जी ने अद्भुत वास्तविक वर्णन किया। हम यात्रा करते रहते ना इसलिए बहुत उपयोगी है। वहां वैशंपायन जन्मेजय को कह रहा है कि युधिष्ठिर को लोमस बता रहा है कि यात्रा का उपदेश दिया कि यात्रा करो। युधिष्ठिर अपने लोगों को कहा कि धृतराष्ट्र के पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमको आजीविका, तुम्हारी रोजगारी। धर्म ने कहा हम तो यात्रा पर जा रहे और यदि धृतराष्ट्र न करे तो द्रुपद बड़े उदार है, द्रुपद के पास। ये महाभारत की मूल कथाओं से। और यात्रा की बात निकली तब महर्षि लोमस के साथ यात्रा होने वाली है। लोमस हमारे मानस का एक पुण्य श्लोक नाम। ये तो बीच में आ गया तो मैं कहूँ कि उसमें बहुत सुंदर बड़ी वास्तविक चर्चा है महाभारत में। बहुत खाता हो, बहुत सोता हो, जिसको मिष्टान्न बहुत खाना है, आवा निहारे यात्रा नौकर भी लिखी है। प्रस्तुति मेरी है, बात महाभारत की, उसमें तो ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये लिखा है। घड़ी घड़ी थकी जाए बेही जाए आपड़े पाचा फरवू पड़े क्या क्यों गयो
क्या गयो युवानी साथे यात्रा न करवी, ऐसा लिखा। यात्रा में निरंतर वागविलास करे, उसके साथ यात्रा नहीं करे। बोल 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 बोल, उसके साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। झूठी बातों कहकर तुम्हारा लक्ष्य चुका दे, उसके साथ यात्रा नहीं करनी। संगत और संगति का ध्यान रखना युधिष्ठिर, और जहां तक संभव हो कम लोगों के साथ यात्रा करनी। बहुत वास्तविक दर्शन है। यहां विक्रमादित्य तो वैताल और आज्ञा वैताल के साथ यात्रा करके लौटा है। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, राजा है, गो ब्राह्मण प्रतिपाल है, हमारे हमारे काठी दरबार जो हमारे सौराष्ट्र के होते हैं। मैं अभी द्वारका और सोमनाथ की यात्रा पर था तो ये सब मुझे याद आ रहा है। तो हमारे प्रताप भाई वरु तुलसी शाम में एक दिन रहा, तो मैंने पहली बार सुना, वसंत भाई मैंने पहली बार ये बात सुनी। बोले बापू हम काठी दरबार जो क्षत्रिय हैं सूर्यवंशी, हमारे नाम के पीछे हम सिंह नहीं लगवाते, सिंह नहीं लगाते। यद्यपि क्षत्रिय में सिंह लगता है, जरूर लगता है, लेकिन हम काठी दरबार जो है काठिये काठियावाड़ की दो, हम सिंह नहीं लगाते। क्यों? कि सिंह गाय को मारता है, हम गो ब्राह्मण प्रतिपाल है, हम काठी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा प्रताप भाई बड़ी गजब की बात मैं पहली बार सुन रहा हूं 72 साल की उम्र में। आपने पहली बार सांभ्यू ना तो प्रेम थी स्वीकारी लियो, नहीं तो नव है तो गणा मैंने खबर अरे खबर तेने उका खबर शू होती, तू क्या खबर थी। मुझे विचार बहुत अच्छा लगा कि हम सिंह नहीं लगाते, क्योंकि सिंह गा गोजारो छे, हम तो गो ब्राह्मण प्रतिपाल है। ब्राह्मण देवता हम आपकी क्या सेवा करें, यात्रा करके हम आ रहे मानसरोवर की आप बीच में मिले, गए तो ब्राह्मण की दुआ से, लौट रहे तो ब्राह्मण का दर्शन, बहुत सुंदर हमारा भाग्य है बताओ। तो बोले आपको सूर्य नारायण ने जो कुंडल दिया है वो मुझे दे दे। विक्रमादित्य कहे गजब है, आपको कैसे पता लगा कि सूर्य नारायण ने कान का कुंडल दिया। बोले योग विद्या से जान गया। अब योग विद्या जानने वाले को कुंडल की क्या जरूरत, क्यों मांगा कुंडल। और एक क्षण के लिए राजा को हुआ कि सूर्य की प्रसादी है कुंडल, मैं कैसे दूं, लेकिन दूसरी क्षण में विचार क्या कि नहीं मेरे कुल की परंपरा है, मना नहीं कर सकते, कुंडल दे दिया। ब्राह्मण लेकर गया, भोज राजा अमाथी काय तारामा छे, तू मान सरोवर तू गया है नहीं, स्तंभ देखा है नहीं, ऊपर जाते जाते भस्म हुआ हो नहीं, सूर्य ने तुझे कुंडल दिया है नहीं, दिया हुआ कुंडल दूसरे को दिया है नहीं, तो ऐसी उदारता, ऐसा बलिदान, ऐसी ऊंचाई और उसके बाद भस्म होकर फिर सजीवन होना, ये सब लक्षण जिसमें होते हैं वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। और इतना कहकर पुतली उड़कर फरारा करती उड़ी गई। राजा निराश होकर रोज जाए, मूर्त ब्राह्मणों के पास भोज राजा मूर्त निकलवाए, शुक्रवार को जा जाए जाए सब पैर रखने जाए। फिर एक और पुतली निकलती है, एक सुंदर कहानी कहती है, मैंने ये कहानी पहले दिन आपके सामने इसीलिए रखी कि ये मानसरोवर यदि मुझे मानस की महिमा गानी है, मानस महिमा का गायन करना है, तो वो मानसरोवर नहीं यही मानसरोवर है।
जो जंगम मान सरोवर है, चलता फिरता मान सरोवर है, और जिसमें विक्रम होगा, महावीर विक्रम बजरंगी, जिसमें विक्रम होगा, जिसमें पुरुषार्थ होगा, जिसमें उत्साह होगा, जिसमें पराक्रम होगा, प्रमाणिक और पवित्र पराक्रमी लोग होगा, आदमी होगा, उसको इस मान सरोवर में रोज सुबह से शाम तक एक स्तंभ ऊंचा उठता दिखाई देगा। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, ऊंचा 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 जाता है विक्रमादित्य। लेकिन आदमी ऊंचा जाता है और राजा भी था, तो आदमी में कमजोरियां तो होती ही है। आज ही सुबह मुझे कोई कह रहा था कि एक शेर, शेर के शब्द तो मैं भूल गया लेकिन विचार बड़ा प्यारा, कि लोगों ने मुझ में बहुत खामियां खोजी, बहुत खामियां निकाली मुझ में, अब खामियां निकल गई, अब केवल खूबियां ही बाकी रही है। ये अच्छा विचार है। इतनी खामियां मेरी निकाली लोगों ने, इतनी निकाली कि अब केवल मुझ में खूबियां ही बाकी है। आदमी है, कमजोरी होती है, यह गुण साधन ते नहीं होई। ये तो जिस पर परम कृपा होगी वो ही बच सकता है। तो इतना पराक्रम हो, इतना विक्रम हो, इतना पुरुषार्थ हो, लेकिन ऊंचाई बड़ों बड़ों को जरा मुश्किल में डाल देती है। जैसे रामानस के संपाति के पंख जल गए सूर्य के पास जाते जाते, वैसे विक्रमादित्य भस्म हो गया और फिर सूर्य प्रसन्न हुआ और अमृत छांटा और सजीवन हो गया, फिर लौटा कुंडल लेकर, लौटा और कुंडल भी। तो मुझे यदि मानस के प्रति इस 32 पुतली की एक कथा जोड़नी हो तो मेरे लिए मानस सरोवर तो यही है। और मैं गुरु कृपा से और आपकी दुआओं से रोज देखता हूँ, रोज एक चौपाई मानसरोवर से ऊपर उठ रही है। यहाँ स्तंभ था, मेरे लिए चौपाई है। और आपड़ो वैताल कौन, आपड़ो वैताल कौन, अपनी अपनी सद्भावना, अपनी गुणातीत श्रद्धा ही अपना वैताल है, जो कभी न कभी इंसान को ऊपर उठाती है धीरे 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 धीरे। लेकिन फिर भी आदमी में कमजोरी आ जाती है और उसी समय वो जल जाता है। लेकिन ऊपर गए, ऊपर उठा। ठाकुर रामकृष्ण है ना, क्षमा करें, कभी कभी मछली खाते थे और खुद कहते थे, आज शनिवार था, शारदा मणि नहीं खानी चाहिए थी लेकिन आज फिर मैंने मछली खा ली। ऐसा कभी, फिर तो महापुरुष है। हमारे स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु, उसको किसी साधक ने पूछा कि इतने पहुंचे हुए परमहंस भगवान रामकृष्ण वो मछली खाए, ये क्या, कैसे हम अपने को समझाएं इतना बड़ा बुद्ध पुरुष। शरणानंद जी का जवाब सुनिए साहब। पूछने वाले को कहा कि पहाड़ पर जो गड्ढे होते हैं ना, वो जमीन से ऊंचे होते हैं, तू जमीन पर है, ये ऊंचाई के गड्ढे हैं। महापुरुष में कभी कभी कोई कमजोरी होती है ना, तो भी वो हमारे से कहीं ऊंचे ही होते हैं। ऐसे कमजोरी भस्म हो जाए, अहंकार आज शून्य हो जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए कि हम, हमारे में ये कला है, हमारे में ये विद्या है, हमारे में ये है, हमारे में ये कुछ भी प्रतिष्ठा, पैसा, पद, खबर नहीं कौन कौन वस्तु नहीं पकड़ती, लेकिन ये ऊंचाई का गड्ढा है, जमीन से तो ऊंचाई ही है, छोटा नहीं है।
लेकिन सूर्य प्रसन्न हुआ, मेरा और आपका रोज चौपाई की ऊंचाई बढ़े और हम जाए, और कभी कुछ गड़बड़ हो जाए दिमाग में तो भस्म भी हो जाए लेकिन ऊपर ऊपर जाने से फायदा ये होगा कि वो सूर्य नहीं लेकिन मानस में सूर्य कहा है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम स्वयं सूर्य है और ये सूर्य राम स्वयं अपने वचनों से अपनी दृष्टि से फिर अमृत वर्षा कर देंगे और फिर देंगे कुंडल। कुंडल का मेरा अर्थ है, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं, आपको कोई फायदा हो जाए तो ठीक है वरना कुंडल दिया सूर्य ने, इसका मतलब परमात्मा हमको श्रवण विद्या देते हैं कि ले भगवत चरित्र सुनना, केवल गाने की ऊंचाई में जा गया ना तो ले भस्म हो गया, मैं गाता हूं हजारों लोग मुझे सुनते हैं फला फला फला, लेकिन सुनने की कला सीख। इसलिए मेरा बहुत सालों से ये वक्तव्य रहा कि जिसको अच्छा वक्ता होना है उसको अच्छा श्रोता होना ही चाहिए, और जो अच्छा श्रोता नहीं है उसको सूर्यवंशी राघव ने कुंडल नहीं दिया है ऐसा ही समझना चाहिए, कुंडल प्रदान किया। लेकिन हम ही सुने ऐसा नहीं, कोई इच्छुक ब्राह्मण मिल जाए तो परस्पर दे देना चाहिए, आज हमने ये सुना आज हमने ये सुना, ये कुंडल ऐसे देना, श्रवण विद्या एक दूसरे को देनी चाहिए। तो विक्रमादित्य की पुतली के द्वारा कही गई वार्ता को यदि मैं मानस की महिमा में जोड़ूं तो मेरे अनुभव में तो कुछ ऐसा उभरता है, मेरे भाई बहन श्रवण एक विद्या है, श्रवण हमारा कुंडल है। महाभारत में कर्ण के कवच कुंडल ले लिए गए, इसका अर्थ तलगा जरड़ा को ये सूझता है कि शायद कृष्ण ने समझ करके कैसे भी योजना बना करके कर्ण की श्रवण विद्या छीन ली कि आदमी कहीं गीता सुन लेगा तो अर्जुन तो खबर नहीं क्या क्या तर्क करेगा लेकिन ये पहले पहुंच जाएगा और शायद मेरी जो नियति है उसमें बाधा हो जाए, तो कुंडल शायद श्रवण विद्या छीन ली होगी, हो सकता है। तो बाप श्रवण करना, परमात्मा की जितनी जितनी विभूतियां हैं जितने जितने तत्व हैं मानस में उसकी महिमा का श्रवण करना और सुनना और सुनाना, सुनकर सुनाना, इसलिए रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत जी में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण की महिमा बहुत प्रथम बताई है। तो आइए हम नौ दिन के लिए मानस महिमन के द्वारा महिमा गान करें और जितना तत्व गुरु कृपा से स्मरण में आएगा इतना ले लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सातों कांड में सात प्रकार की महिमा है। पहले दिन वक्ता को ग्रंथ की महिमा ही कहनी पड़ती है ना, जिसको गामड़ा में लोगों के मातम कहवानु, पहले दिवसे भागवत नु मातम, रामायण की कथा नु मातम, भट्ट जी वाँचे महात्मा, कोई बापू हुई बाबा जी हुई वाँचे मातम, महात्म ज्ञान जरूरी है। तो रामचरित महादेव के साथ, महादेव तो क्या कहे यार, गंधर्वराज पुष्पदंत कहता है, असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर शाखा लेखिने पत्र मुरवि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा कालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। कौन उसकी महिमा गाए, महिम न पारं, तेरी महिमा का आर पार नहीं साहब, कौन पार पाएगा। लेकिन मानस को जब मेरे लिए मैं महादेव कहता हूं और इस मानस महिमन का गायन शुरू कर रहा हूं
तो महादेव की सात वस्तु की महिमा समझनी चाहिए जो सातों कांड में तुलसी ने स्थापित की है किसी न किसी संदर्भ में। महादेव में सात वस्तु है, जो त्रिभुवन गुरु होगा उसमें सात वस्तु होगी। दुनिया में छह प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी ही, जो हमारी औपनिषदी परंपरा है। एक तो गुरु होता है, दूसरा मानस के आधार पर, दूसरा होता है श्री गुरु। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विव, ये गुरु, केवल गुरु। दूसरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, श्री गुरु, उसकी व्याख्या कवि की है। त्रिजक तीसरा होता है कुल गुरु, कुल गुरु हित सममायन बापू, तीसरा होता है कुल पुरोहित पुरोधा कुल देवता, इसको हम कुल गुरु कहते हैं। चौथा होता है धर्म गुरु, ये चौथा प्रकार का गुरु है। पांचवा गुरु है सदगुरु, मानस में सदगुरु वैद वचन विश्वास संयम यह न विषय के आसा। सदगुरु पांचवा गुरु, और छठा गुरु है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का, त्रिभुवन गुरु। तो त्रिभुवन गुरु जो होता है, जिस जो शिव है, शिव के अतिरिक्त कौन, त्रिभुवन गुरु है महादेव। अनंत गुण है उसमें, कोई गा नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, जैसे गंधर्व राज ने कहा। फिर भी जब मानस को महादेव का वो कहकर आगे बढ़ रहा हूं, तो सातों कांड में शिव की सात वस्तु दिखती है। शिव में है पहली वस्तु तप। शिव की तपस्या गजब है, भवानी की भी तपस्या गजब है, सवाल ही नहीं। कभी कभी चढ़ जाए, ऐसी तपस्या है। तो तप ये भगवान महादेव का पहला महिमा का सूत्र है, तप। दूसरा तेज, महादेव जैसा तेज नहीं। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशु वंदे सूर्य शशांक वहनी। सूर्य चंद्र और अग्नि जिसके नेत्र उसके समान तेज किसका होगा। शिव का दूसरा दूसरी महिमा है तेज। शिव है तीर्थ रूप, जैसे हम कहते हैं कि तीर्थों में स्नान करो तो सब पाप जाए। ब्रह्मानंद जी कहते हैं शिव नाम जो उच्चारे तो सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा, शिव जी तेरी जटा में बहती है। शिव है स्वयं तीर्थ। शिव की महिमा का एक केंद्र है तीर्थपना। तप, तेज, तीर्थ, चौथा तारुण्य। शिव बूढ़ा नहीं है, तारुण्य है उसमें, रोज जोबन है। हां, फिर कोई कविता में मेरे तुलसीदास जी भी बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण कह देते हैं कि भाई बूढ़ा बड़ा शंकर जी ने ज्योतिषी का रूप लिया, बूढ़ा था। ये तो अपने अपने
लाड़ लड़ाने की सबकी अपनी रीत है, बाकी शिव में तारुण्य है, सदा कर ही विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसही। तारुण्य ये चौथा महिमा का केंद्र है शिव का, पांचवा है महिमा का केंद्र भगवान शिव में, वो है तत्परता, तीव्रता, तड़प, शिव की तड़प, शिव की तत्परता गजब है। छठा महिमा का केंद्र बिंदु है व्यासपीठ को लगता है, और वो है त्याग। महोक्ष खटवांगम परशुरजिनम भस्म पणिनम, क्या त्याग मूर्ति है महादेव। त्याग है एक महिमा का केंद्र बिंदु। सातवां केंद्र बिंदु है शिव का, इसकी महिमा का, वो है तृप्ति, तसल्ली। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनो बुद्धि समेत्रिय तृप्त। और जब मैं तलगा जरड़ा का वो कोना याद करता हूं, तब उसकी कृपा से मुझे मानस के सभी सोपान में कहीं इसमें बालकांड उठाऊं तो उसमें महादेव का तप दिखता है, पूरा बालकांड तपस्या से भरा हुआ है साहब, उसमें पार्वती का तप, इसमें शिव का तप। बीते संबत सहस 87 तप, मनु शत्रुपा का तप, देवर्षि नारद का तप, सुमिरत हरि शाप गति बाधि सहज विमल मन लागी समाधि, तप तप तप। और तप का वर्णन की चौपाइयां भी बालकमान में आपको गोस्वामी जी कहते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप आधार सब सृष्टि भवा। तप बल रच तप की भूरी शह चर्चा गोस्वामी जी ने बालकांड में की है। बालकांड है शिव की तप महिमा का कांड। शिव का दूसरा, उसमें क्रम क्रम नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा है त्याग, शिव का त्याग। अयोध्या कांड त्याग का कांड है, राम त्याग करते हैं, भरत त्याग करते हैं, त्याग 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 की एक बड़ी खूबसूरत स्पर्धा चल रही है श्रद्धा के समेत। ये शिव की महिमा का तत्व अयोध्या कांड में मिलता है, जहां त्याग 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 है। अरण्य कांड जाएंगे तो अरण्य कांड में कितने ऋषि मुनि, कितने आश्रम, सब तीर्थपना दिखता है।
इस शिव की महिमा का तीसरा केंद्र बिंदु है तीर्थता, तीर्थपना। शिव का चौथा महिमा का तत्व जो तारुण्य है वो किष्किंधा कांड है। सुग्रीव तरुण है, इवन वाली भी तरुण है, युवान है। आज युवा दिवस है, मुझे बताया गया यूथ डे है आज, है ना? सच्चे माहिती के गलत है? हाँ, छे ना यूथ डे। दाणी बहने खबर न, तुमने खबर न थी यार, यूथ डे आज, युवा दिवस। वाली तरुण है, शरीर में शायद हो लेकिन विचारों का तारुण्य है वाली में। बालकों से करो एक मिनट। यहतनय मम समभिनय कल्याण प्रदय प्रभु गहि बाघ सुर नर नाह अपने दास अंगद कीजिए। तारुण्य है वाली में, थोड़ी तारुण्य शक्ति बिलग रास्ते पर चली गई थी लेकिन कृपा हुई और सही मार्ग पर आ गई। सुग्रीव तरुण है, सुग्रीव जैसा दौड़ने वाला कोई नहीं, और दौड़ना तरुणता में ही हो सकता है। अद्भुत तारुण्य है सुग्रीव का, भागने की कला में ऐसा कोई दौड़वीर नहीं पैदा हुआ, इतना दौड़ने वाला। सुग्रीव के नाम से ही दौड़ हरीफाई होनी चाहिए, उसके समान कोई दौड़वीर नहीं है ऐसा जो भागता है। अंगद युवराज तरुण है, और सबसे बड़ा तरुण तो किष्किंधा में ही उसका प्रवेश तुलसी ने बताया हनुमान का, और ये इसके समान तरुण कौन है? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति नवार सुमति के संगी कंज होनु गरडू नो था साहेब। सुवर्ण कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित आठ वज्र। अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवतर, जो भगवती श्रुति का उद्घोष है। अहम मे विश्व भेषजम, वेद कहता है मारा हाथ विश्व की समस्त बीमारियों की औषधि है, ये मेरे देश का वेद ही कह सकता है। अयम मे विश्व भेषजम। तो श्री हनुमान जी तरुण है, जुवान है। तो किष्किंधा कांड में भगवान शिव का तारुण्य तत्व की महिमा दिखती है। तत्परता, तड़प, इस सुंदर कांड का केंद्र विषय है, जहां जानकी तड़पती है। उस सीता के वियोग में भगवान राघवेंद्र लंका में हनुमान को इस सुंदरकांड का भगवान के शब्द सुनिए। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा जानत प्रिया एक मन सो मन सदा रहत तो की। Yeah.
तो भगवान सीता को प्राप्त करने के लिए बहुत तत्पर है, तड़प रहे हैं। तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, भला ये रोग है कैसा सजन, अब तो बता दो, अब तो बता दो। बाबा जी गालू आपके सम्मान में। जिस मानसिकता से मैं गा रहा हूं उसी मानसिकता से ही श्रवण करना। गलत मानसिकता से श्रवण किया तो जिम्मेवारी आपकी। तड़प ये दिन सीते सीते, तुम देखी सीता मृग नहींनी, हे खग मृग ये मधुकर स्नेहनी। तुम्हारे परवास साहब ये पंक्ति बार बार याद कर लेते, हे मधुकर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये तड़प, ये तत्परता, ये मिलन की तीव्रता। तड़प ये दिन रात कसक ये बिन बात की, भला ये है सजन अब बता दे, अब बता दे, बता दे। तड़प रात की कसक तो बाप तत्परता तीव्रता लग्न, एकदम लग्न मीन्स लगन, जुड़ने की चाह। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान, उसने षोडश ग्रंथ लिखे पुष्टि मार्ग के, एक विशेष बड़ी पावन धारा, ठीक है। उसमें एक ग्रंथ बहुत छोटा सा ग्रंथ है श्रीमन महाप्रभु जी का, वल्लभाचार्य भगवान का, जिसका नाम है भक्ति वर्धिनी। इसकी थोड़ा जिक्र मैंने शायद लास्ट गत कथा में किया था, भक्ति वर्धिनी। ऐसे ही पढ़ने में थोड़ा क्लिष्ट भी लगेगा, लेकिन कोई आचार्यों से कोई महापुरुषों से आप सुनेंगे तो बड़ा पाए कि जीवन में भक्ति बढ़े कैसे, प्रेम की तत्परता कैसे बढ़े, तड़प कैसे दिन ब दिन दिन दुना रात चौगुना कैसे डेवलप हो। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभ भगवान तीन ही बात कहते हैं। वो कहते हैं पहले प्रेम होता है, बड़ा क्रांतिकारी है साहब, उल्टा लगेगा लेकिन है अनुभूत सूत्र। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं पहले प्रेम मानी भक्ति, चलो लेकिन प्रेम शब्द ही यूज किया है, पहले प्रेम होता है। फिर महाप्रभु जी कहते हैं फिर आसक्ति होती है। और लोग व्याख्या करते हैं तो कहते हैं प्रेम अच्छा है आसक्ति बुरी है, यहां कहते हैं प्रेम के फल को आसक्ति कहा। आसक्ति का मतलब है
सट जाना, जुड़ जाना, लगन लग जाना, संलग्न हो जाना, उसी अर्थ में यही आचार्यों ने उसकी व्याख्या की। इसी प्रकार में आ सकती एक लुब्धता, जो मानस का शब्द है, लुब्ध मधुप इव तजैन पासु, जो भरत आसक्त हो गए राम के चरणों में, आसक्ति अच्छा लक्षण बताया यहां भक्ति वर्दी ने। तो प्रेम, फिर आसक्ति, उसके बाद कहते हैं व्यसन। महाप्रभु जी का जो क्रम है, वल्लभाचार्य भगवान का, उसमें व्यसन को आखिरी शिखर पर ले गए, जिसको व्यसनात्मिका भक्ति कहते हैं, एक प्रकार की तड़प, तत्परता, तीव्रता, तीव्र वियोग। इस सुंदरकांड में वर्णित महादेव की महिमा का सूत्र है। तो तप, त्याग, तीर्थपना, तारुण्य और तत्परता। लंका कांड का शिव महिमा का सूत्र तेजस्विता, तेज। रावण को कितनी भी गालियां दो, हर साल उसको जलाओ, ठीक है, लेकिन रावण की तेजस्विता को तो सलाम ही करना पड़ेगा। तासु तेज समान प्रभु आनंद। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, रावण को जब 31वां तीर लगा और जब वो गिरा, तो कहते हैं रावण का तेज भगवान राम के चेहरे में समा गया। तेज की महिमा वहां दिखती है, सब समाये जा रहे प्रभु में। और उत्तरकांड में शिव महिमा का बिल्कुल सार सूत्र है, तृप्ति पायो परम विश्राम, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं। जाकी कृपा लवलेश ले, जाकी लवलेश ले, मति मन तुलसीदास, मति मन पायो पायो परम विश्राम, राम समान कृपा लवलेश, जाकी कृपा लवलेश। तो बात तृप्ति, एक डकार, एक तसल्ली, जो शिव का महिमावंत सूत्र है, उत्तरकांड में आप पाओगे तृप्ति। तो मानस के सातों सोपान में शिव महिमा के सात सूत्र, जब मानस को महादेव कह दिया, तो उसी के एक एक सोपान में ये सातों महिमा के सूत्र निहित लगते हैं। ऐसा मानस महिमना भगवत कृपा से आज उसका आरंभ हो रहा है, उसकी सूत्रात्मक
शास्त्रात्मक, मेरे जाने मानने में सत्यात्मक भी, यस, मेरे जाने माने में अनुभवात्मक भी, मेरे जाने माने में विवेकात्मक भी, गुरु कृपा से जो संतों से सुना हो, गुरु कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, कहीं कोई भी कहीं से भी सत्य तो लेने वालों को मिलता रहता है। आनो भद्रा कृतभो तो विश्वता, खिड़कियां खुली होनी चाहिए साहब। राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, क्योंकि उनके मकान का कोई दरीचा खुला नहीं। धर्म जब बंधियार बना देता है आदमी को, खिड़कियां बंद करा देता है, तब सत्य टकोरा मारकर लौट जाता है, वापस चला जाता है। खिड़कियां खुली रखे बस, हर जगह से मिलता है, हर जगह से मिलता है। तो बाप, मेरे जाने माने में मानस महिमना की जो कुछ बातें हैं, तो विशेष रूप से हम और आप साथ में मिलकर स्वांत सुख उसकी चर्चा करेंगे आगे। आज पहले दिन में तो जिसको मैं ग्रंथ परिचय कहता हूँ, महात्मा का जो दिन पहला, कि श्रोताओं को किस शास्त्र पर चर्चा होने, केंद्रस्थ शास्त्र कौन है, उसे का परिचय कराना वक्ता का कर्तव्य है, कि किस ग्रंथ पर चर्चा, मूल में किस ग्रंथ पर चर्चा होने वाली है। तो इसलिए कथाओं की एक प्रवाही परंपरा में, पावनी परंपरा में, पहले दिन की कथा में ये महिमा गाई जाती है। तो मानस के सात सोपान, आप जानते हैं मैं बार बार कहता हूँ और मेरा कर्तव्य समझता हूँ, इसलिए क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग जो बड़ील बुजुर्ग जो बूढ़े लोग जो हैं, आपके तो आशीर्वाद हमको मिलते हैं, आपका मार्गदर्शन हम प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य तो युवा पीढ़ी रही है, और युवा से भी आगे ये छोटे छोटे बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, उसके लिए तो मुझे गाना है साहब। वडील लोग तो सुनते हैं, उनकी कृपा है, वो तो जानकर बैठे हैं, दुआ देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और टीवी ने, लाइव टेलीकास्ट ने बहुत सुविधा कर दी कि कथा में आने की जरूरत नहीं, घर में बैठे रहो और सुनते जाओ। लेकिन लक्ष्य है युवा, ऋषि कहाँ हो गया, अच्छा कहीं काम में गया। ऋषि ने आज मुझे एक बात बताई, बड़ी अच्छी लगी, मेरे रूबरू में उसे बताई नहीं, उसके बच्चों ने मुझे बताई, मैं ऋषि का जो नया मकान बन रहा है उसी में मैं ठहरा हूँ, अभी अभी बन रहा है, बन गया है, अभी बहुत काम बाकी है। उसका छोटा बच्चा है ईश और बड़ा है रुद्र, रुद्र बोल गया, ईश बोलने लगेगा धीरे धीरे। तो वो छोटा बच्चा ऋषि मुझे बता रहा था कि ईश ने मुझे कहा कि पापा ये घर नहीं लगता है, होटल लगती है। ये मेरी बात नहीं है, सच, सदैव परिवार को पूछो। एक छोटी सी उम्र वाला बच्चा जो छोटा है, उसने कहा बहुत, यद्यपि उसको लगा होगा ऐसा होटल बोटल जैसा नहीं है, सुंदर घर है, और होटल जैसा होगा तो भी भवन हो जाएगा, क्योंकि वहां से पोथी यात्रा निकली है, वहां से मंगल भवन की ये यात्रा निकली है, तो उसको भवन होना ही है, मंगल भवन ही रहे, कभी को भवन न बने। तो बच्चा बोला बहुत अच्छा, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, निदा साहब को अंजलि दे दूं, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, बच्चा साफ साफ बोल देता। ये क्या समझता था ये पापा घर नहीं लगता है।
लेकिन रुद्र इससे एक कदम आगे गया। ये सराहना करने का कोई मुझे कारण नहीं है, रमेश भाई से कोई दक्षिणा नहीं लेनी है। रमेश भाई नो सूत्र है, पैसा कमावा छे बस। काल नो आ मानस मने कहे छे बाबू तमे गम्मे ते को पैसा कमावा छे, कमा और कमा कर कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने मेहमानों को निमंत्रित करना ऐसे ही भाव से। और ये सब मेरे, इतने में बार बार बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा कि सब अपनी व्यस्तता छोड़कर आपके निमंत्रण पर आए हैं। लेकिन रुद्र ने कहा कि पापा आटलू मोटू मकान करियो, अमाती घना नाना माणसों ने घना मकानों न करी शका। चेतना आगे बढ़ रही है साहब, रमेश भाई की चेतना अपनी चेतना है, ऋषि की चेतना उसकी चेतना है, अब रुद्रेश की चेतना, रुद्र और ईश की अपनी अपनी चेतना है। मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी अच्छी चेतना करवट बदलकर नहा धोकर आ रही है। मेरा लक्ष्य ये लोग है, युवान भी है और ये छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं। हमारे गुजराती शायर थे बर्बाद जूनागढ़ी, वो कहा करते थे कि जाड़ पान पण नाई धोई ने तुम्हारू स्मरण करे। जो ओस के बिंदु गिरते थे पत्ते पर तो उसको कहते हैं कि पेड़ पौधे भी सुबह में स्नान करके परमात्मा का बंदगी कर रहे हैं। बर्बाद जूनागढ़ कहते नथी कोई आंधी नथी कोई तूफान, नथी ओट नथी कोई भरती, रहे छे छता ये बेचैन समंदर, क्योंकि समंदर ने है ना रतन या सांभरे छे, फिर भी ये बेचैन है क्योंकि उसको अपने रत्न याद आ रहा है। वो बर्बाद, बर्बाद का स्मरण हुआ है तो मैं कह दूं उसको भी अंजलि दे दूं, मुस्लिम था साहब, कितनी गजलें सुना रहा था उस समय का सवाल। साहब प्रेरणा मिलेगी सबको, इसलिए मैं एक मुस्लिम शायर, शायर कोई मुस्लिम हिंदू होता ही नहीं, लेकिन जिस बंदगी की पद्धति में वो आए थे वो तो इस्लाम पद्धति थी। मित्रों ने, मैं उसका साक्षी हूं इसलिए बोल रहा हूं, मित्रों ने उसके लिए हज पढ़ने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। जो हज के नियम होते हैं कि कोई कर्जा न रहे फलाना, जो जो होते हैं उस पावनी परंपरा के नियमानुसार, तो दरबार साहब को हज के लिए जूनागढ़ के रेलवे स्टेशन में सब मित्रगण उसको विदा देने आए, वो हज पढ़ने जा रहे, सब फूलमालाएं कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, और नवी आंखों से बर्बाद फकीर जैसा आदमी खड़ा है। इतने में एक कोई ये बनी, बिल्कुल बनी घटना, एक फकीर आता है, कोई अकिंचन फकीर आ गया प्लेटफॉर्म पर, एक बाग बेंच के छोर पर बैठा था, वो देखा कि कोई हज पढ़ने जा रहा है, महायात्रा पर जा रहा है। बर्बाद ने प्रणाम सलाम की, आदाब साहब खुश रहो, हज की पवित्र यात्रा के लिए जा रहा हूं। सुन करके इस जो फकीर था उसकी आंख में आंसू आ गए। बर्बाद जूनागढ़ी ने पूछा कि बाबा कोई बेअदबी तो नहीं हो गई, आपका दिल को नहीं दुख गया, क्या हुआ, क्या आपके आंख में आंसू क्यों? बोले कुछ नहीं साहब, जाइए अल्लाह आपकी यात्रा सफल रखे, याद करना दुआओं में। लेकिन नहीं बाबा बताइए, पैर पकड़ लिए शायर ने, हुआ क्या आपको? बोले नहीं, एक बार मुझे भी इच्छा हुई थी कि मैं भी कभी हज पढ़ने जाऊं, लेकिन अकिंचन। उसी समय साहब
बर्बाद जूनागढ़ी ने जो हज की तैयारी का जो था उस फकीर के चरणों में रख दिया। मेरी हज जूनागढ़ के प्लेटफॉर्म पर हो गई, तू हो आ। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये त्याग, ये बलिदान। और ये वस्तु छोटी छोटे बच्चों में आ रही है। 21वीं सदी के बहुत बड़े सगुन है, बहुत बड़ा पैगाम है। तो मैं इनके लिए बोल रहा हूं, इनके लिए काम कर रहा हूं। ये छोटे छोटे बच्चों में ऐसे विचार कहां से आए? आज कार में मुझे बता रहा था, बापू मैं सोते समय 11 बार राम 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 बोलता हूं, और फिर आपके फोटो के पास जाकर फिर सो जाता हूं, नींद आ जाती है। सलाम है इन चेतनाओं को। कहने का मतलब, बुजुर्गों ने तो बहुत हमको दिया है, लेकिन लक्ष्य है युवा, जो विश्व मंगल में काम आए, विश्व की एकता में काम आए। और ये नई चेतनाएं जो उभर रही है उसके लिए। तो कहने का मतलब, बाप तृप्ति उड़कार, एक तसल्ली पायो परम विश्राम। ऐसी बात, ऐसी ऐसे ऐसे मूल्यों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। तो मानस के महात्मय में जो ग्रंथ का परिचय देना देने की एक एक परंपरा रही, ग्रंथ क्या है उसके बारे में पहले दिन वक्ताओं को कहना ही चाहिए और एक कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि लोगों को एक ग्रंथ का विशेष परिचय हो। तो बाप, वाल्मीकि ने रामायण लिखी जिसका नाम रामायण है, तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। यद्यपि मूल में तो वाल्मीकि रामायण है और तुलसी चुकते नहीं, आदि कवि को पहले नमन करते। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जेहि निर्मय सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास को भी स्मरण में लेते हैं और आदि कवि वाल्मीकि को भी लेते हैं। भये जो कवि, जो सर्जक, जो बंदे हो गए हैं, जो हैं, जो होंगे, तुलसी की चौपाए। भये जे अह ही जे हो ही आगे प्रणव सब ही कपट सब त्यागे, प्रणव सब ही कपट सब। कली के कविन करहु परनामा, तुलसी कहते कवि कलियुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता जिन्होंने सत्य प्रेम के गुणगान गाए। राम के गुणगान माने सत्य के गुणगान। राम के गुणगान क्यों राम को संकीर्ण बना रहे हो? राम हमारी फ्रेम में आ जाए ऐसा राम नहीं है, गगन सदृश है। राम का गान मानी सत्य का गान, राम का गान मानी प्रेम का गान, राम का गान मानी करुणा का गान। इससे अतिरिक्त क्या है? तो तुलसी आदि कवि से लेकर सबकी वंदना करते हैं। ये परंपरा है, पवित्र परंपरा। तो नाम रखा रामचरित मानस यही नामा, रामायण नहीं रामचरित मानस। उसका नाम रामचरित मानस यानी मानसरोवर का एक रूपक उठाया। संतों से मैंने सुना कि हिमालय में जो मानसरोवर है
उसमें तो पवित्र जल है, पवित्र पानी है, यस पवित्र है। हिमालय स्थित मानसरोवर में पवित्र पानी है, लेकिन तुलसी के इस मानसरोवर में एक संत की पवित्र वाणी है। तुलना करते हैं, हिमालय का मानसरोवर सबके लिए सुलभ नहीं है, तुलसी का ये जंगम मानसरोवर सब ही सुलभ, सब दीन सब देशा। कोई भी दिन कोई भी देश में सुलभ है, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं। सेवत सादर समन काले, तो उसमें पवित्र पानी है, उसमें पवित्र एक संत की वाणी है। वो स्थावर सरोवर है, ये जंगम सरोवर है। सुना है हिमालय के मान सरोवर पर हंस रहते हैं, सुना है देखे नहीं। और तुलसी बड़े प्रैक्टिकल है कि हंस तो नाम सुना है, बगुले बहुत देखे, अमृत का जिक्र सुना है, लेकिन जहर तो पिया है। कल्पतरु का नाम सुना है, लेकिन छांव महसूस नहीं की। तो सुना है मानसरोवर के तट पर हंस को, हंसों का निवास होता है। हम तो इतनी बार हुआ है, लेकिन कोई हंस नहीं दिखा। अथवा तो सफेद पक्षी तो तैरते थे देखे, लेकिन वो हंस है कि नहीं खबर नहीं। लेकिन हंस जिसको कहते हैं खबर नहीं। मानसरोवर की यात्रा करके लौटे तो हमें नेपाल में पूछा गया कि बापू कोई हंस वंश देखे। मैंने कहा भाई हंस तो नहीं देखे, लेकिन परमहंस जरूर देखे। परमहंस मीन्स ऐसी 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 पहुंची हुई चेतनाओं का कोई भी आदमी को वहां आभास होता है। केवल मुरारी बापू नहीं, कोई भी व्यक्ति इस परिसर में जाएगा उसको महसूस ही होगी। तो सुना जाता है कि वहां हंस रहते हैं। ये मानसरोवर में तो परमहंस भगवान शंकर भी मानसरोवर के तट पर बैठकर कथा कागभुसुंडी के पास, ये परमहंस शिव ये सुनते हैं। तब कछुकाल मराल तनु धरित किन्ह निवास। ये सब मानस के प्रमाण है। मानसरोवर में कोई डूबता है तो मर जाता है। तुलसी के शास्त्र में कोई डूबेगा इतना तैर जाएगा। हो तो तारण तरण तारण नरते हुए तैरेगा, दूसरों को तारेगा भी। तो ऐसा मानसरोवर जो तुलसी ने रचा, उसके चार घाट बनाए, एक ज्ञान घाट, एक उपासना घाट, एक शरणागति का घाट, एक कर्म का घाट। चार घाट, चार संवाद। रामचरितमानस में कोई विवाद की बात है ही नहीं, चारों आचार्यों ने संवाद ही स्थापित किया। फिर भी कई लोग ऐसे कि उसमें विवाद निकाला करते हैं। हमारे एक रामायणी जी आए थे तुलसी अवार्ड में, दिल्ली वाले अपने, क्या नाम था दादाजी, दिल्ली के, हाँ रामरंग जी आए थे। उसको हमारे एक स्नेही ने बैठे थे तो पूछा कि महाराज आप रामायणी है तो रामायण की कोई बढ़िया बढ़िया बात बताओ। तो रामरंग जी ने कहा पहले तू घटिया बात बता, रामायण की कोई घटिया बात हो तो तू पहले बता, फिर मैं बढ़िया बताऊं। मैंने जिसने पूछा उसको कहा कि ले पूछ। ये विवाद का शास्त्र नहीं, विवाद खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि कई लोग केवल विवाद करने के लिए रिजर्व है, उसका काम ही यही है।
तुलसी के संवाद के शास्त्र को क्यों विवाद के दायरे में रखा जाए? तुलसी का राम सूर्य है, सूर्य क्या कोई एक देश का, एक कौम का, एक मजहब का, एक कबीले का है? सूर्य सबका है। तुलसी ने रामचरितमानस को कई नदियों की उपमा दी है, ये नदी है, ये नदी है। क्या नदियां केवल हिंदुस्तान की होती? हर देश की नदियां अपने आप में महिमा है। इसको सांप्रदायिकता नहीं लागू होती। तो ये चार संवाद रचे हैं ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शिव, शिवा को पार्वती को सुनाते हैं कथा। उपासना घाट के आचार्य बाबा कागभुसुंडी गरुड़ को सुनाते हैं। कर्म के घाट पर बैठे हुए परम विवेकी याज्ञवल्क भरद्वाज जी को सुनाते हैं। और नितांत शरणागति के तट पर घाट पर बैठे तुलसी अपने मन को एक कथा सुनाते हैं, अथवा तो संत सभा को सुनाते हैं। तो ऐसा एक सुंदर रूपक निरूपित किया। बड़ी बुरी चर्चा है मानस सर की, बालकांड में आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ये शास्त्र शिव ने रचा, तुलसी ने संपादित किया, श्लोक को लोक में उतारा, लोक बोली में उतारा, जरूरी था लोक बोली में उतारा। भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जेही। तो तुलसी ने पूरे मानस की रचना की। सात सोपान, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर, सात सोपान में उसको ग्रंथस्थ किया। चौपाइयां, ज्यादा से ज्यादा चौपाइयां, दोहा, छंद, कई प्रकार के छंद, सौरठे और मंगलाचरण के अद्भुत श्लोक, संस्कृत श्लोक। इससे ये संपन्न शास्त्र हमारे सामने आया। सात मंत्रों में तुलसी ने बालकांड का मंगलाचरण किया। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ हमीश। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपि यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर। आप जानते हैं सात संस्कृत श्लोकों में तुलसी ने मंगलाचरण किया। संतों से सुना है मैंने, ये सात सोपान, सात मंत्रों में मंगलाचरण, आखिर में उत्तरकांड में गरुड़ के भुसुंडी के सामने सात प्रश्न, ये सप्त का अंक जो है ये तुलसी ने क्यों लगाया? तो संतों ने व्याख्या की कि सात आकाश ऊपर, सात पाताल नीचे, सभी में छाया हुआ शास्त्र है, इसलिए सात श्लोक। और तुलसी की चौपाइयां, छंद, सोरठा, जितना संगीत का जानकार, मर्मज्ञ और उस्ताद होगा, कोई भी राग में गा सकते, कोई भी। मैं नहीं गा पाऊं, मैं तो दो चार रागों में खेल लेता हूं,
बाकी संगीत का जो कोई डाउट नहीं साहब, कोई भी संगीत के जितने राग रागनियां होगी उसमें तुलसी की चौपाई गा लेंगे गाने वाले अवश्य, और संगीत के सुर साथ है इसलिए साथ है। मानस समुद्र जैसा अगाध शास्त्र है और समंदर हमारी गिनती में पूर्वीय गिनती में सप्त सिंधु कहलाते हैं, सात सिंधु है। इसे कई कई अर्थ संतों से सुना सो आपके सामने निवेदित कर रहा हूं। लेकिन सात मंत्रों में मंगलाचरण करने के बाद तुलसी को कहते हैं हनुमान जी की प्रेरणा हुई, शिव की प्रेरणा हुई, जो कहो, या तो अपने अंतःकरण की प्रेरणा, जो कहो छोड़ो। लेकिन तुलसी का संकल्प था भाषाबद्ध करूं, लोक बोली में शास्त्र लिखूं। और जितने जितने महापुरुष ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो जो अपनी पवित्र परंपराएं हैं उपासना की, सब अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं वहां एक ही जगह, सबने ज्यादा से ज्यादा लोक बोली का उपयोग किया। पैगंबर साहब अपनी बोली में बोले, जो पैगाम आया जो तुझे याद कर लिया, आयत की तरह, इबादत की तरह, अपनी बोली में सब उतरा। बुद्ध ने अपनी बोली में लोक भाषा में अपनी बातें रखी, जीसस ने अपनी बोली में बातें रखी, कबीर साहब तो बिल्कुल साधुकड़ी बोली में आए। इसी पावनी परंपरा में तुलसी लोक बोली में, संस्कृत का श्लोक देखने के बाद लगता है कि गोस्वामी जी पूरा शास्त्र संस्कृत में लिख सकते थे, इसको कोई सवाल नहीं। कई लोग ऐसा कह मानते हैं क्योंकि कई लोगों को चूक ही नहीं, वो कहते तुलसी का संस्कृत कमजोर था, तारा बापा ने पूछ एनु संस्कृत कमजोर हो तो तुलसी का नहीं। एक एक श्लोक पर बृहत ग्रंथ रचे जा रहे हैं साहब, मैं उसका साक्षी हूं। रामायण का एक सामान्य गायक के नाते मंगलाचरण के एक एक श्लोक पर छोटे छोटे ग्रंथ तैयार हो रहे, इतनी विशद व्याख्याएं हो रही है। कोई नहीं कह सकता तुलसी का संस्कृत कमजोर, लेकिन ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े होते हैं ना वो दुनिया में बड़े ही रहते हैं, ऐसी तैसी बातें सुनते नहीं। लोक बोली में सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए, श्लोक को लोक तक पहुंचाने के लिए मेरे गोस्वामी जी एकदम भाषा में उतर आए, और देहाती भाषा में भोजपुरी, अवधी, कई भाषाओं के शब्द चुन चुन कर डाल दिए, कई बोलियों का उपयोग किया गोस्वामी ने। तो शुरुआत लोक बोली से करते हैं, मंगलाचरण के श्लोकों को रखते हुए हमारी अद्भुत देवगिरा संस्कृत को प्रणाम करते हुए 500 लिखे तुलसी ने। पहले गणेश, दुर्गा, शिव, भगवान विष्णु और सूर्य, जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने पंचदेव की बात कही थी, पंच विचार रखे थे। चलो कि सनातन जो दिव्य धारा है उसके पथिकों को चाहिए ये पंचदेव का वो करें, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य। तुलसी ने 400 में 5 का वर्णन किया, और 500 में ये पांचों जिसमें तुलसी को दिखा वो गुरु का वर्णन किया। सुन लीजिए ऐसे ही, सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सो बुद्धि राशि
शुभ गुण सद मुँह कहो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयालु द्रवउ सकल कलिमल नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देख उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेक करहु कृपा मरदन। गणेश का सिमरन किया, फिर सूर्य का सिमरन किया, फिर शिव और मां भवानी का सिमरन किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। मेरी व्यासपीठ मानती है कि पंच विचार है। स्थूल रूप में गणपति की पूजा जो इसी परंपरा को स्वीकार करते वो करें, मुबारक प्रणम्य है ये लोग। अभी भाद्रपद आने वाला है, उसमें गणेश की पूजा पूरे देश में चलेगी, जो लोकमान्य तिलक ने प्रस्थापित की राष्ट्रीय एकता के लिए। जैसे यूपी बिहार मध्य प्रदेश और होते होते पूरे देश में हनुमान जी की गांव गांव स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान गोस्वामी तुलसीदास जी का है राष्ट्रीय एकता के लिए। जो तिलक ने काम किया महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में, वो तुलसी ने वहीं से किया पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो गणेश की, गणेश एक विचार देव भी है यस, लेकिन गणेश का मेरा मतलब है विवेक। युवान भाई बहनों, हम विवेक से जिए तो निरंतर गणेश की पूजा कर रहे हैं और 24 घंटों से 12 घंटा गणेश की अथर्व शीर्ष से पूजा करो, गणेश के बड़े बड़े मंत्रों से करो, लेकिन विवेक शून्यता है। केवा पानी बिना ना ना सागर नी नाजीर ने कोई जरूर नती, हमारो गुजराती शायर कहे। हूँ हाथ ने मारा फैलाऊ तो तारी खुदाई दूर नथी, हूँ मांगू अने पछी तू आपे ये वात मने मंजूर। जे दिल मा दया ने स्थान नथी त्या वात न कर दिल खोली ने, एवा पाणी बिना ना सागर नी आ नाजीर ने कशी जरूर नथी। तो बाप विवेक, ये गणेश पूजा है। बुजुर्गों का आदर करो, समवयस्क से प्रीत से मैत्री करो, छोटे को वात्सल्य से नहला दो, ये विवेक गणेश की पूजा है। नाक बढ़ेगी विवेक से, गणेश की सूंड बड़ी लंबी होती, नाक मानी प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ेगी बुजुर्गों को। चाणक्य कहता है कि बुजुर्गों को विवेक से आदर देने से चार वस्तु बढ़ती है, आयुर विद्या यशो बलम। विवेक एक गणेश वंदना है। और कौन धर्म मना करेगा विवेक के बारे में, कौन मना करेगा? ये सार्वभौम सूत्र है। सूर्य की पूजा, हम जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, ये तो करें ही, लेकिन जो न कर सके तो कम से कम उजाले में रहने का शिव संकल्प, वो सूर्य पूजा है कि जहां तक संभव, जहां तक हमारी जागृति हो, हम उजाले में तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये सूर्य पूजा है मेरी समझ में। शिव की पूजा, ये सावन मास चल रहा है, हम सब अभिषेक करते हैं, शिव की पूजा लोग सब करते हैं, लेकिन शिव का अर्थ है कल्याण, विश्व के कल्याण की जिसमें निरंतर भावना है, वो 24 घंटों शिव अभिषेक कर रहा है। दुर्गा पूजा,
तुलसी ने उसको श्रद्धा कहा है, भवानी शंकरो वंदे। अपनी श्रद्धा को अकबंद रखो, दूसरे की श्रद्धा को कभी तोड़ो ना, ये दुर्गा पूजा है। આપણે શું છે કે આપણને કંઈ આવડે ને બીજાનું કંઈ માનવું નહીં, આપણને કાંઈ ખબર પડે ને બીજો કે એ કોઈ દિવસે એનું માનવું નહીં, આપની શ્રદ્ધા ગુણાતીત શ્રદ્ધા અકબંધ રખો ઓર દૂસરે કી શ્રદ્ધા તોડો ના। અમારે જલન સાહેબ તો કહેતે હૈ ગુજરાતીમાં કે શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની છી જરૂર, કુરાનમાં તો ક્યાંય પયંબરની સહી નથી। શ્રદ્ધા મધુસૂદન સરસ્વતી ઇતને પ્રગાંડ પંડિત સંસ્કૃત કે અદ્વૈત સિદ્ધિ કે સર્જક, જો ભક્તિ માર્ગ મેં આયે તો કહેને લગે આદૌ શ્રદ્ધા, મૂળ મેં શ્રદ્ધા હૈ, શ્રદ્ધારૂપેણ સંસ્થિતા હે જગદંબા, તું શ્રદ્ધારૂપિણી હૈ। શ્રદ્ધા સે જીના એ દુર્ગા પૂજા હૈ। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, विशाल विचार, संकीर्ण नहीं, विशाल, ये विष्णु पूजा। तो बाप इन पंच विचारों का सेवन ये पंच देवों की पूजा है। और कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए, कोई पहुंचा हुआ फकीर मिल जाए तो उसमें पांचों आ जाते हैं। गुरु गौरी भी है, गुरु गणेश भी है, गुरु गिरिजापति भी है, शंकर भी है, गुरु भगवान भास्कर भी है और गुरु विष्णु भी है। हम गुरु को ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं। तो एक ही बुद्ध पुरुष में पांचों तत्व समाहित होते रहते हैं। इसलिए पांचवें सोरठे में तुलसी ने कहा बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा। जासु वचन रवि कर गुरु वंदना गोस्वामी जी शुरू करते हैं। रामचरितमानस का पहला प्रकरण गुरु वंदना है, गुरु की महिमा है। आइए इनमें से चंद पंक्तियों का हम गायन कर लें, जिसको मेरी व्यासपीठ मानस गुरु गीता कहा करती है। बंदौ गुरु पद तुम परा सुरुचि सुवास सरस अनुराग श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम बड़े भाग जासु गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन नयन अमिया दृग दोष विभंजन तेई करी विमल विवेक विलोच बरन गुरु की महिमा का तुलसी ने पहले प्रकरण में गायन किया।
गुरु वंदना की चौपाइयों में, वहीं से पहली चौपाई गुरु वंदना से शुरू होती है। और हमारे भगत बापू काक बापू कहा करते थे, और ये इतिहास सिद्ध बात भी है, कि चौपाई तो सबसे पहले प्रयोग जायसी ने किया। चौपाई जैसे चौपाई सामान्य मानी जाती है कि चौपाई की रचना कोई बहुत बड़ी बड़ी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी रचना कर सके। और भगत बापू खास कहते कि ऐसी सरल रचना जो चौपाई की कोई भी कर सकता है, उसको इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त करा दिया गोस्वामी तुलसी ने। आज कई अच्छे अच्छे कवि भी दोहे लिखने लगे हैं, सौरठे लिखने लगे हैं, चौपाइयाँ लिखने लगे। और मैं मुझे मेरी प्रसन्नता, मुझे हरीश भाई ने भी कहा और विनोद भाई ने भी मुझे बताया कि विनोद भाई जो महाकाव्य लिख रहे हैं, क्या नाम है, सैरंद्री, उस पर काम कर रहे। तो विनोद भाई के बाबू हनुमान जयंती में आते, जब जब आना हुआ तो उस समय सुबह में जो सुंदरकांड का पाठ होता है, तो ये पाठ करते करते जब मौका मिला पाठ करते, चौपाइयाँ इतनी दिमाग में घुस गई कि मैंने पूरा महाकाव्य चौपाई में रचना करने की, वरना एक कितना सुंदर कर सकते। तो चौपाई की एक महिमा है साहब, चौपाई एटले चार पगे दौड़वानी बात छे, दो पैर से नहीं, चौपाई चार पैर से आदमी की गति ऊर्ध्व गति होने जाए, आदमी उड़े, चौपाई की महिमा। हमारे जगतगुरु रामभद्राचार्य भगवान तो ऐसा ही कहते हैं कि तुलसी ने चौपाई को कविता की महारानी बना दिया, ऐसा वो कहते हैं। संस्कृत के प्रकांड विधा नैयायिक रामभद्राचार्य, वो तो गीता के श्लोक को भी ऐसा करते हैं। गीता का श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान रामभद्राचार्य कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रजा, मामेकम नहीं, मानस की शरण में आ जा, सर्वग्रंथान परित्यज सॉरी सर्वग्रंथान परित्यज मानसम शरणम ब्रज, मानसम सर्व पापेभ्यो, मानस सभी पापों से मुक्ति कर देगा साहब, निशंक पवित्रता बढ़ती जाए साहब। ऐसे चौपाइयों में बिल्कुल लोक बोली में तुलसी ने लोक रचना में शास्त्र उतारा है। क्लिष्ट भाषा में लिखना यह भी एक एक महिमा है, अवश्य अवश्य महिमा है, लेकिन समझेंगे कितने लोग। तलपदी भाषा में बिल्कुल लाए। एक अंग्रेज को रेलवे स्टेशन जाना था, गुजरात के कोई गुजरात में सौराष्ट्र के गांव में आया, तो जाना था रेलवे स्टेशन, तो रिक्शा वाले को, दो आदमी खड़े थे, उसको पूछा कि भाई रेलवे स्टेशन कितना दूर है, इंग्लिश में बोला। अब वो देहाती लोग क्या जाने इंग्लिश में, उसने कोई जवाब नहीं दिया, ये क्या पूछ रहा है। उसको लगा कि ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते, तो जर्मन भाषा में पूछा, ये कितनी भाषा जानता था, जर्मन भाषा में पूछा कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है। अब यार आने ने जर्मन कोई जवाब नहीं दे, एक दूसरे के सामने देखते रहे। उसको लगा कि इसको जर्मन भाषा नहीं आती, तो उसने सोचा कि जापानीज भाषा आती होगी, तो जापानीज भाषा में पूछा कि रेलवे स्टेशन कि क्या है बकरा है। फिर उसने चाइनीज भाषा में पूछा, पड़ोसियों की भाषा में। आजकल जो चूचा कर रहे हैं, उसी भाषा में पूछा, पांच छह लैंग्वेज वो जानता था, पांच छह में पूछा। फिर उसको लगा कि ये अनपढ़ गंवार निपट गंवार है, मैं ट्रेन छूट जाएगी इसलिए बेटर है कि मैं भागूं, तो वो भागा। तो एक आदमी जो था ना, उसने दूसरे अपने मित्र को कहा कि देख भाई, एकाध भाषा जाननी जरूरी है। ये बेचारा पूछ रहा था, कोई अंग्रेजी या जर्मन, कोई एकाध भाषा जानते तो कम से कम बोल सकते, अपनी प्रतिष्ठा रहती, उसको मार्गदर्शन मिलता। तो दूसरे ने कहा वो छह भाषा जानता था, कोई फायदा हुआ, छह जानता था ले,
कोई फायदा हुआ तो मुझे बता, अपनी बोली में जियो सा। हिंदी को पकड़ रखो, उर्दू को पकड़ रखो, अपनी अपनी प्रांतीय भाषा को। अंग्रेजी विश्व की भाषा है, माना कबूल जरूर। आप बोलते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। इंग्लिश जो बोलते हैं, रुद्र बोला, ऋषि बोला, बहुत प्यारा प्यारा लगता, लेकिन अपनी भाषा भूल कर नहीं, अपनी भाषा को सेवो। इतने आए हैं हमारे मेहमान, वो सब अपनी अपनी बोली में पेश करेंगे, थोड़ी समझ होगी तो ज्यादा एंजॉय कर सकोगे। इसलिए अपनी बोली को पकड़ रखो। लोक बोली में तुलसी शास्त्र उतार रहे हैं, चौपाइयों में गुरु वंदना की, उसके बाद गुरु की चरण रज से अपना नेत्र पावन कर दिया गया और पूरा जगत राममय ब्रह्ममय दिखने लगा। इसलिए तुलसी ने सबकी वंदना की, इसमें राक्षसों की भी वंदना तुलसी ने की, असुरों की, जड़ चेतन जलचर थलचर नभचर जीव मात्र की तुलसी, क्योंकि आंख गुरु कृपा से जिसकी पावन हो गई वो किसकी निंदा करेगा, वो सबको वंदन ही करेगा। कोई किसी की निंदा करे ना तो पहला मन में गांठ बांधो कि आंख खराब है, मोतियाबिंद है। जिसकी आंख पावन हो गई किसकी निंदा करेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा निदान करेगा, बुद्ध पुरुष निदान करेगा, निंदा नहीं करेगा। एक डॉक्टर नब्ज पकड़कर कहता है कि तुम्हारी कमजोरी का कारण यह है, यद्यपि वो निंदा लगती है लेकिन ये निदान है। निंदा और निदान में अंतर है। बुद्ध पुरुष निदान करता है, बुद्धू निंदा करता है, इतना फर्क है। समझना, किसी ने कहा ना कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है नजीक वालों को पहचानने के लिए, बहुत लंबी फ्लाइट लेनी पड़ती है पड़ोसी को पहचानने के लिए, वरना हम निंदा करते जाते हैं। और मेरी व्यक्तिगत, आपने पूछा नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जो तलगाजरड़ी राय दूं तो दूसरे को ज्यादा जानना, जानने की कसरत ही बंद करो। जितना दूसरे को ज्यादा जानोगे राग द्वेष बढ़ेगा। हरि भजो, वो है, वो है, तुम तू है, जाने दो यार। पर फला आम ने, फलाना भाई आम ने, फलाना आम ने, छोड़ो यार, हूँ एने नकती शिका सुधी जाणू छू, फायदो शू थयो तने? ई तने डबल जाणी गयो, तू जेने नक्षिक थी जाणवा गयो ई तने डबल जाणी गयो। नुकसान, घाटे का सौदा किया तूने। अति रोशनी आंखों को अंधा कर सकती है, अति जानकारी ठीक नहीं है, थोड़े अनपढ़ रहो, इसमें आनंद है। समझदारी थी अड़गा थई जवाना, आ सब बहाना छे, मने शंका पड़े छे के दीवाना शूं दीवाना। जलन सा, मेरी राय सुनो, यदि गले उतरे तो समय मिले ना, घर के एक कोने में बैठकर हरि को याद करते, अपने परम को याद करके दो आंसू गिरा दो यार, इससे बड़ी संपदा कौन है। बदायूं साहब के दो शेर कहूं, कितना महफूज हूं, बदायूं साहब कहते हैं, कितना महफूज हूं मैं, कितना महफूज हूं मैं कोने में, एक छोटे से कोने में मैं कितना सुरक्षित हूं, कितना परिपूर्ण हूं, कितना आबाद हूं, कितना महफूज हूं मैं कोने में, कोई अड़चन नहीं रोने में, अब कोई रोकता नहीं रोने में, जी भर के रो लो कोने में बैठकर। अब घर में खूणा द नोरिया, बधू गोल 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 गोल, कोना नहीं, कोना बहुत बहुत मदद करता था। आदमी कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रो कर अपने को पवित्र कर लेता था। कितना महफूज हूं मैं कोने में,
कोई अड़चन नहीं। अब रोने में, लेकिन दूसरा शेर सुनिए, उसको मैंने बचा लिया, उसको मैंने बचा लिया, वरना उसको मैंने बचा लिया वरना डूब जाता वो मुझे डुबोने में, डूब जाता वो मुझे डुबोने में, कोई अड़चन नहीं अब रोने में। तो बाप जिसकी दृष्टि पवित्र हो गई उसको सब ब्रह्ममय लगता है, मने भाष्य उसे ब्रह्माकार, अखाए आपदने अवलोक्य अखो कहे, हवे मने बधुज ब्रह्माकार। मारो नरसी कहता, नरसी मैं तो कहे ब्रह्म लटका करे, ब्रह्म लटक ब्रह्म पासे। तो तुलसी अब आखिर में पवित्र दृष्टि के कारण एक पंक्ति लिख देते हैं, मानस की प्रसिद्ध पंक्ति, सीय राम मैं सब जग जानी, सीय राम मैं सीय राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगहानी, करहु प्रणाम जोरी। पूरे संसार को सिया राम मई समझकर मेरे दोनों हाथ जोर करके मैं सबको प्रणाम करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अर्थ, हमारे तपस्वी ऋषि कृष्ण शंकर दादा भागवत विद्यापीठ 16 वो अर्थ करते कि परम को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अर्थ होता है कि मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, एक खातरी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि यह हाथ अब कभी अप्रमाणिक नहीं होंगे। प्रणाम का अर्थ दादा ऐसा करते थे, कृष्ण शंकर दादा, करहु प्रणाम जोरी जुगहानी, ऐसी वंदना प्रकरण में फिर माँ कौसल्या की वंदना करते हैं, दशरथ की, जनक राजा की, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ये सब की वंदना करते हुए गोस्वामी जी अनिवार्य और नितांत वंदना बीच में लाते हैं। महावीर बिनवहु हनुमान राम जासु जस आप प्रणवउ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचारि। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। हनुमान जी श्वास और विश्वास का प्रतीक है, श्वास के लिए भी हनुमंत तत्व, क्योंकि ये पवन पुत्र है, प्राण तत्व है, श्वास के लिए भी हनुमान जरूरी, और शंकर के रूप में ये विश्वास है, इसलिए विश्वास के लिए भी हनुमंत तत्व जरूरी है। कोई एक धर्म का, कोई एक कौम का, कोई एक देश का ये तत्व नहीं है, ये परम तत्व है हनुमान। सोना कभी कौमवादी होता है?
कोई कहे हिंदू सोना ये मुस्लिम सोना, ये हिंदू गोल्ड ये मुस्लिम गोल्ड, नहीं होता। हनुमान है कंचन बरन विराज सुबे, ये सोने का है, इसलिए इन भेदों से मुक्त है। वायु कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, ईसाई पारसी नहीं होता। हनुमान पवन पुत्र है, इसलिए भेद मुक्त है। सूर्य के शिष्य है, सूर्य सबका होता है, इसलिए भेद मुक्त है। तो हनुमंत तत्व की नितांत आवश्यकता पड़ती है, रहती है। तुलसी ने हनुमान जी की वंदना की। आइए तुलसी के एक महान ग्रंथ विनय पत्रिका के से हनुमंत तत्व की वंदना करता हुआ एक पद, उसकी एक दो पंक्तियां गा करके आज की कथा को मैं विराम की ओर लिए चलूं। तो आइए, आप सब जानते हैं गाते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करूं कि पीछे से आप सब गाइएगा प्लीज। राणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि प्रणव उपवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा। तो हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की, और हनुमान जी की साधना के लिए तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा का सृजन किया है वो सिद्ध भी है और मेरी समझ में शुद्ध भी है। हनुमान चालीसा का आश्रय करना। कई लोग मेरे पास आते हैं, हर शिवरात्रि को हम 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी सगाई नहीं हो रही है। अब ये खुद ब्रह्मचारी है, तेरी सगाई कहाँ करेगा? तो वो गलत मांग रहा है, वो ब्रह्मचारी, ये तो तेरी होगी तो भी तुड़वा देगा कि तू झंझट में कहाँ फंस रहा है। हनुमान जी की उपासना इसलिए कहो, आखिर में जो तुलसी ने कहा वो पकड़ो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तुलसी की एक ही मांग है, बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा हनुमान चालीसा की ओर हमें रुचि उठे, इसीलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता फला 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 ये सब का है। हनुमान चालीसा मेरी दृष्टि में त्रिभुवन महिमा है। मैं एक एक पंक्ति की महिमा आपको, यदि मेरा प्रवाह चला तो कोशिश करूंगा, उसमें हनुमान जी की ही महिमा है, शिव की महिमा है, त्रिभुवन गुरु की महिमा है। तो बाप पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जी के तुलसी के आचार राम लखन सीता सही हृदय बसहुं सुर, आप राम लक्ष्मण सीता तीनों मेरे हृदय में निवास करो। बस तुलसी कहते हनुमान जी से यही मांग रहे, राम लखन सीता उसके साथ आप, और कुछ नहीं चाहिए, हमारे दिल में आप निवास करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान चालीसा सिद्ध भी है शुद्ध भी है, उसका आश्रय करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और लोग करते हैं, बहुत करते हैं। मैं हिरजी बाबा का पुण्य श्लोक नाम स्मरण करूं कि इस महापुरुष ने बहुत काम किया हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का, ये बहुत, और कितने आज यूके में हर जगह पर ये सब करते रहते। मैं विनंती करता रहता हूँ, रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, कभी सुबह कभी दोपहर कभी रात, 11 न हो तो 9 बार करो चलेगा, जितना राहत दी जाए मैं देने की कोशिश करूँ। 9 बार न हो तो 7 बार करो, 7 बार की एक एंट्री होती है मैसूर विभाग में, 7 बार की एंट्री होती है 7 बार करो, तो 7 बार ना करो तो 5 बार करो, 5 बार करो ना करो 3 बार करो,
तीन बार ना करो तो केवल एक बार 24 घंटों में हनुमान चालीसा का स्मरण करो, एक बार भी ना कर सको तो केवल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणव रघुवर विमल जस जोदायक पलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई हरु क्लेश विकार, ये दो कहना, फिर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, पवन तनय संकट हरण, जा पूरी हनुमान चालीसा। इतना भी आप न कर सको तो केवल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस अटलू खाली अटलू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कोई मदद कहूं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भले तमने ये गांडो गणे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये भी न कर सको तो मेरी नम्र प्रार्थना करबद्ध कि जो हनुमान चालीसा करते हो उसकी निंदा न करो, कम से कम उसकी आलोचना न करो, उसका भी परिणाम है, किया हुआ किसी का जाता नहीं साहब। तो हनुमंत साधना बहुत तांत्रिक साधना में, उग्र साधना में, हनुमान जी में जाना ही नहीं, सौम्य स्वरूप पकड़ो, शुद्ध बुद्ध हनुमंत तत्व का आश्रय करें। तुलसी ने हनुमंत वंदना की, पहले दिन की कथा सदैव जहाँ तक संभव हो एक प्रवाही क्रम रखा है मेरी व्यासपीठ ने कि हनुमान जी तक की वंदना हम कर लेते हैं, पहले दिन की कथा को वहाँ विराम दे देते हैं, तो आज की कथा को मैं यहाँ विराम दूँ। इससे पूर्व एक दो मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद भुसुंडी रामायण का पाठ होगा, और आरती के पूर्व आदरणीय डोलर भाई आपको जो मैंने विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में विशेष जानकारी आपको दे देंगे, उसके मुताबिक जिसको जो मनोरथ हो वो करते जाए, लेकिन गुरुवार के बाद बंद हो जाएगा। हाँ भाई तुम्हें गम में जो हमारा ले लो, नहीं कोई लेवानू नहीं, गुरुवार तक जो दो वही लेंगे, शुक्रवार को ड्राफ्ट, शनिवार को मैं आपको बोल दूंगा। बनने ने कीधु से तुम्हारा गम्मे एटला काम हो पड़ता मुखे, तुम 21 तो प्लेन में बेसी जाओ, का तो बने तो मारी हारे ज बेही जाओ 20 अने मुंबई उतरी अमदावाद नी फ्लाइट पकड़ो, गांधीनगर व्या जाओ, रोकावा माटे नहीं चेक आपीने पाछा फरी जवा माटे, कारण के अमुक गामो बहु रहेवा जेवा नथी होता साहेब, एटले पाछा निकळी जवा। केशुभाई तमे रहो ई तो तमे रहेजो, तमे आपणो कड़क सूचना से तो ज करवानु छे, नहीं तो नहीं करवानु, कौन जिम्मेवारी ले। अने मैं सीएम साहब को भी बोलूंगा, यहां से भी बोल दूंगा आखिर दिन, कि आपकी व्यवस्था के अनुसार, विवेकपूर्ण व्यवस्था के अनुसार जो चैनल हो उसी चैनल के द्वारा जनता का पैसा एक एक पाए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी मैं यहां से बोल दूंगा, आपकी जो विवेकपूर्ण व्यवस्था हो उसके मुताबिक। पाइप में प्रवाह में कहीं काणा न पड़वा जुए, नहीं तो एटलू पानी निकली जाए, फोर्स ओछो थी जाए। तो बाप और विजय भाई समझदारी के साथ ये आपका जो होगा वो सब सरकार करेगी। तो आज की कथा को और मैं डॉलर भाई समझा देंगे, तब तक आप बैठे रहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे यार, गुजराती में हिंदी में बोल रहा हूँ तो अभी बैठे तो अंग्रेजी में तो तोड़ी ना के वो बोले, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं यार। तो फिर आरती करेंगे सर, तब तक किसी को बहुत अनिवार्य काम हो तो जरूर प्रैक्टिकल होना चाहिए, जा सकते हैं जहाँ तक संभव हो सूचना सुनकर। एक मिनट के लिए आखिर में हरे रामा रामा राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम
राम राम राम सीता राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे पवन तनय संकट हरन नौ दिवसीय राम कथा मानस महिमना उसमें पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। अब कल से रोज सुबह 9:30 बजे कथा शुरू होगी, 1 और 1.5 के बीच में उसको विराम दिया जाएगा। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा हम सब मिलकर करेंगे भाव से। रामचंद्र भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो नमः पार्वती पतये हर हर Thank you.
Message of truth, love, and compassion is powerful.
irrespective of their faith, and to strengthen the bonds which hold our communities together. I'd like to wish you all the enjoyable Kaha and a happy Independence Day between August. Yours sincerely, Theresa May. What a great start, the first of recital today. And Bapu's message of what is happening in Gujarat because of heavy rains, the number of districts affected in Gujarat, hundreds of people are dying, 4.5 people are homeless. There is real misery and real poverty, in particular the poor people. A large number of farmers, their crops have been washed off. And in fact, the Chief Minister of Gujarat, Mr. Rupani, stayed there in two of the districts for 5 days to witness firsthand the human suffering that is happening in Gujarat. Bapu has very rarely appeals for such things. And today is exceptional because exceptional circumstances in Gujarat. It is not in his nature to appeal unless it's absolutely vital. And therefore, I'm here standing in front of you, appealing to help out as much as we can the people who are suffering in Gujarat due to heavy floods as well. And very generously, Bapu has offered ₹1,25,000 from Chitrakoot Foundation. And the Yajman Parivar, managed by Sashita and his family, have offered ₹1,00,000. And Bapu Mara Sabama, Rameshpana Sabama, Chandra Gupta, announced to another. But hopefully, by announcing Marshall Thirdimal Singh to be as generous as he can. So, Amara family, proper family therapy, again, I will be as well. We need your help. Please be as generous as you can. As Bapu said, at the close of Katha on Thursday, that is it. Whatever we collect, we'll get a bank of draft on Friday, and we'll account to you properly as to the amount of money we'll be taking from the ship place to Gujarat by following Tuesday. So if I count on your support, can I have your hand step, please? Thank you. That's all the wisdom. How can you help? Umesh Pudia is heading this campaign to raise his money. Donations can be made online in cash. Online at justgiving.com. You can use that particular website. There are few stalls at the reception, so you can approach the volunteers at the stall to see what you can do, what you can help, and how you can actually donate the money. Please check the apps on Facebook for further details. And more information will be available tomorrow morning on the screens. I would like you to be as generous as you can for this very special people. Thank you. Thank you.
स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधा स्वस्ति न स्ताक्षो अरिष्टमेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुशलस्वा मरुत रुष्मी मातर शुभम यावानो विदते सुजगमय अग्निजिह्वा मनवसूरा चक्षसु विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्वयाम देव भद्रं पश्ये माक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदो मन्ति देव यत्रा नश्चक्राचरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिविशान्ति प्रापश्शान्ति रोषधयश्शान्ति वनस्पतयश्शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवायेव देवायज्ञे देवायिन्द्रः देवाहि भूषण देवाहि देव पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ Just give me 1 second, I just want to say a quick hello to them. Oh, I see.